हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है YJ कॉमर्स क्लासेस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब देखते हैं हायर वेंडर की बुक्स में जनरल एंट्री किस तरीके से पास होंगी। तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी, हायर वेंडर जो हमारा हायर वेंडर है उसकी बुक्स में जनरल एंट्री देखते हैं किस तरीके से पास होंगी। ईयर वन की बात करें तो ईयर वन पे वही एग्रीमेंट के टाइम पे दो एंट्रीज होंगी, जैसे हायर परचेजर्स की बुक में हुई थी, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड एंड डाउन पेमेंट रिसीव्ड, गुड्स बेचे उसकी एंट्री होगी। हायर वेंडर हमारा मिस्टर बी कैश में गुड्स बेचता तो एंट्री क्या करता, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन यहाँ पर कैश में कैश उसके पास आया नहीं तो उसने कैश की जगह क्या लिख दिया, मिस्टर ए अकाउंट लिख दिया। तो मिस्टर ए उसका डेटर हो गया और डेटर पड़ता है तो डेबिट होता है, तो यहाँ पर आ गया मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट्स होना चाहिए था। लेकिन उसने अपनी नॉर्मल सेल और हायर परचेज सेल के बीच डिफरेंस करने के लिए यहाँ पर HP सेल्स अकाउंट लिख दिया। HP सेल्स अकाउंट्स का मतलब हो गया हायर परचेज सेल्स अकाउंट्स, टू मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट। अब देखते हैं अपनी दूसरी एंट्री, डाउन पेमेंट रिसीव हुई। अब अगर डाउन पेमेंट रिसीव हुई तो डाउन पेमेंट रिसीव में उसका बैंक बढ़ गया, बैंक या कैश हम कुछ भी कहें, इंक्रीज हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट और एसेट बढ़ा तो डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। अब मिस्टर ए क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि मिस्टर ए हमने डेबिट किया था, ये हमारा डेटर था। अब डेटर जो है वो कम हो गया तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया 2,70,000 से। अब बात करें ईयर एंड पे, ईयर एंड पे हमारी वही एंट्री पास होंगी। ईयर एंड पे सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा। इंटरेस्ट जो है हायर परचेजर के लिए खर्चा था लेकिन हायर वेंडर के लिए इनकम है, तो उसके लिए इनकम ड्यू हुई है ना कि एक्सपेंस ड्यू हुआ है। तो इनकम जब हमारी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है, इसलिए यहाँ पर उसने लिखा टू इंटरेस्ट अकाउंट, यानी उसकी इनकम इंक्रीज हुई। जितना इंटरेस्ट का अमाउंट था उतने से ही उसका डेटर इंक्रीज हो गया, तो मिस्टर ए अकाउंट उसने उसका डेटर इंक्रीज हो गया इंटरेस्ट ड्यू होते ही। अब इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट, उसका डेटर कम हुआ और डेटर कम हुआ तो डेटर को क्रेडिट करेंगे, यानी एसेट कम होता है तो एसेट को क्रेडिट करते हैं। अब उसके पास डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज होगा नहीं, क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, डेप्रिसिएशन इसलिए चार्ज नहीं होगा क्योंकि जो हायर परचेज चैप्टर है वो कहता है जो एसेट यूज़ करेगा वही डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। तो यहाँ पर मिस्टर ए डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा ना कि मिस्टर बी, यानी हायर परचेजर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा ना कि हायर वेंडर। तो हायर परचेजर ने अब डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया था, हायर वेंडर वो एंट्री करेगा नहीं। अब उसके पास सिर्फ एक ही एंट्री है अपने PNL अकाउंट में डालने के लिए, इंटरेस्ट अकाउंट। तो उसका इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट उसने पहले क्रेडिट कर रखा था, क्रेडिट करके उसने अपना इंटरेस्ट ड्यू किया था, अब वो उसको डेबिट करके जो है इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देगा PNL में। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू PNL अकाउंट, ये उसका इंटरेस्ट अकाउंट जो है ट्रांसफर हो गया PNL में, क्योंकि इनकम है, इंटरेस्ट उसकी इनकम है और इनकम को हमेशा PNL में ट्रांसफ़र होती है। अब बात करें हमारी फोर्थ एंट्री, यहाँ पर कौन सी आएगी, यहाँ पर आएगी HP सेल्स अकाउंट। अब देखो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करी PNL में, क्यों, क्योंकि PNL में हमारा इंटरेस्ट आता है। उसी तरीके से जो सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट कहाँ पर लिखते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो सेल्स अकाउंट की एंट्री को हमें ट्रांसफ़र करना होगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट था इसको कर देंगे डेबिट, क्रेडिट हो जाएगा हमारा डेबिट हायर परचेज सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये हमने हायर परचेज सेल्स अकाउंट को हमने ट्रांसफ़र कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ईयर टू की बात करें तो उसमें पहली दो एंट्री होंगी नहीं, सीधा आएगी हमारी ईयर एंड की एंट्री। ईयर एंड की एंट्रीज कौन सी थी हमारी, सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा यानी इनकम ड्यू होगी, इनकम ड्यू होगी तो वही बात होगी, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होता है टू इंटरेस्ट अकाउंट। और मिस्टर ए का अकाउंट कितने से बढ़ा दिया जाएगा, 10,800 से, क्योंकि इतने का ही इंटरेस्ट ड्यू हुआ है। फिर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, डेटर कम कर दिया और बैंक में पैसा आ गया। उसके बाद बात करें इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करेंगे PNL में, इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र किया गया PNL में। और चौथी एंट्री पास होगी नहीं क्योंकि सेल बार बार थोड़ी ना होगी, एक बार हो गई बात ख़त्म, फर्स्ट ईयर में हो गई बात ख़त्म। तीसरे ईयर की बात करें, तीसरे ईयर में भी सेम तीन एंट्री पास होंगी उसी लॉजिक के साथ, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू PNL अकाउंट। ये अमाउंट हम कहाँ से ला रहे हैं, ये हम अपने टेबल से ले रहे हैं, जो टेबल हमने स्टार्टिंग में ही बना दी है। टेबल बनाने के कई फ़ायदे हैं, आपको बार बार दिखाई दे रहे होंगे। ये तो हमने समझ लिया अपने एग्जांपल से। अगर हम नॉर्मल फॉर्मेट बना के अपनी जनरल एंट्रीज को लिखते तो किस तरीके से लिखते हैं, अब हम जाकर देखते हैं, वहीं पर जाकर देखते हैं जहाँ पे हम पढ़ रहे थे। कैश प्राइस मेथड का मतलब क्या होता है,
हम देख रहे थे यहाँ पे कैश प्राइस मेथड या फुल कैश प्राइस मेथड। तो इसमें हमने अपनी मीनिंग देख लिया था इसका, और मैंने एक लाइन बोली थी आपको बाद में समझ में आएगी, अब आपको समझ में आएगी, अब आप पढ़ सकते हैं। अंडर दिस मेथड फुल कैश प्राइस ऑफ असेट इज डेबिटेड टू असेट अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू हायर वेंडर अकाउंट। मतलब जब हायर परचेजर की बुक में हायर परचेजर अपनी पहली एंट्री डालता है वो क्या डालता है, असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। मैं आपको दिखाता हूँ एंट्री क्या डालती है, असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, जैसे कि इसने डाली थी हमारे एग्जांपल में ट्रक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट 450,000 से। तो ये असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट किया था इसने और उसको क्रेडिट किया था 450,000। 450,000 हमारा क्या है, फुल कैश प्राइस। तो ये यही बात को ये कह रहा था हमारा, अंडर दिस मेथड फुल कैश प्राइस ऑफ असेट इज डेबिटेड टू असेट अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू हायर वेंडर अकाउंट। समझ में आ गया आपको ये लाइन। अब बात करें हमारे जनरल एंट्रीज, यहाँ पे एक बार देख लेंगे। अंडर फुल कैश प्राइस मेथड मैंने आपको समझा दिया, बुक्स ऑफ हायर परचेज और बुक्स ऑफ हायर वेंडर मैंने सारी एंट्रीज लिख दी, वही एंट्रीज हैं ये जो मैंने आपको समझा दी हैं। आप इसको एक बार देख लेंगे, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट के टाइम पे असेट अकाउंट टू हायर वेंडर अकाउंट फुल कैश प्राइस से लिखी जाती है, उसके बाद डाउन पेमेंट रिसीव होती है हायर वेंडर टू कैश अकाउंट। फिर फर्स्ट ईयर पे जो है वो चार एंट्री पास होती है, पहली इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, दूसरी इंस्टॉलमेंट की, तीसरी हमारी डेप्रिसिएशन की, चौथी हमारी ट्रांसफ़र करने की या हम कहें क्लोजिंग करने की इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन अकाउंट को, यानी हमने ट्रांसफ़र किया पी एन एल अकाउंट में इंटरेस्ट और अपने डेप्रिसिएशन को। उसके बाद बात करें हमारी सब्सिक्वेंट ईयर में, यानी हमारे सेकंड ईयर हो या चाहे थर्ड ईयर हो चाहे फोर्थ ईयर हो, हमारी ईयर एंड की एंट्री पास होगी सिर्फ। ईयर एंड पे क्या एंट्री हुई हमारी, सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट ड्यू हुआ है यानी ये एक्सपेंस था, दूसरा हमारा इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हुई है, तीसरा हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, फोर्थ हुआ है हमारा क्लोजिंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। यही सेम एंट्री हमारी थर्ड ईयर में चार एंट्री पास होंगी। अब हम बात करें हमारी बुक्स ऑफ हायर वेंडर, हायर वेंडर की बुक्स में जो है सेम वही, पहली हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, दूसरी हमारी डाउन पेमेंट रिसीव्ड होगी, उसके बाद क्या किया जाएगा फर्स्ट ईयर के एंड पे जो है चार एंट्री वही पास होंगी, इंटरेस्ट ड्यू यानी इसकी इनकम है, दूसरी इंस्टॉलमेंट रिसीव वाली एंट्री होगी, उसके बाद हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज वाली एंट्री पास करी जाएगी, उसके बाद क्लोजिंग होगा हमारा इंटरेस्ट अकाउंट क्योंकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं है, उसके बाद हम क्लोज करेंगे अपने हायर परचेज सेल्स अकाउंट को, फिर वही हमारी सब्सिक्वेंट। ये मैंने आपको समझा दिए हैं सारी एंट्रीज जो हैं अपने एग्जांपल के थ्रू। फिर इसी तरह हम अपने सेकंड ईयर में एंट्रीज पास करेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे इन सब चीज़ों को। उसके बाद अब हम देखते हैं अपने एग्जांपल के थ्रू कि हमारे लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और हायर वेंडर किस तरीके से बनेंगे।